आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। माँ के बाद में सुपो पाचा सुकर का भी लड़ाई करे तो ये ऐसे काम मत कर जो और माँ की भी आत्मा दुख पाओ। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। राजस्थान से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो भाइयों ने एक साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ने लड़कियों के प्रेम प्रसंग में यह कदम उठाया है। उन्होंने मरने से पहले अपने हाथ पर लड़कियों के नाम भी लिखे हुए थे। एक के हाथ पर आशा तो दूसरे के हाथ पर तुलसी नाम लिखा हुआ था। दोनों के शवों के टुकड़े सोमवार सुबह पटरी पर बुरी तरह बिखरे हुए मिले। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह दर्दनाक घटना बूंदी जिले के केसावराव पाटन के सामने आई है, जहां चचेरे भाई देव और महेंद्र ने रविवार देर रात यह खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि अब इस दुनिया में जीने का मन नहीं लगता, इसलिए जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद आप किसी से लड़ना मत, नहीं तो हम दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कभी न कभी तो जाना था, दुखी मत होना। सभी भाई से कब हो जाएगा ये वीडियो ने घर का ताई माँ का ताई जरूर पला दीजियो। माँ को पर ना तो कोई को प्रेशर न दबाओ, खाई भी को न बस ताई सही न लाग रही, इसलिए माँ दुनिया छोड़ जा रहे थे। आखिरी है यार, अब कब तक दुनिया का दर्द दुखड़ा देखता रहे। माँ को कोई को खाई प्रेशर को न तो वो कोई माँ न जबरदस्ती कर रही या करवा रही हो भाई, तो या करो यो कदम उठाओ। मैं खुद माँ की मर्जी से जा रहा था, और न कोई मैं एक दूसरा न लारा लेर जा रहा, न तो यो मन लेर जा रही हो न मुई नहीं यो मन लेर जा रही हो, मैं अपनी मर्जी से जा रहा था। माँ को प्रॉब्लम थी दुनिया के कोई वह प्रॉब्लम दुनिया गई थी, वो जैसे फिर दोनों लारा जा रहा था। मैं माँ के बाद में सुपो पाचा सुगर का भी लड़ाई करे तो ये ऐसे काम मत कर जो और माँ की भी आत्मा दुख पाओ। और कोई लड़ जो बढ़ जो मत हो भाई, वो मैं सब माँ की मर्जी से जा रहा था, मर्जी कर रहा था मैं जो भी कर रहा, जो कोई का दबाव में प्रेशर मार ना कर रहा। और रही बात घर का की, तो घर का भी मतलब ज़्यादा दुखी न हो, यूँ मत सोचो भाई हम सब कुछ ये हो गयो, कोई बात को ना ले छह रह रहे कमार दे वालो। हाल तो आराम से कमार खाओगा, दो दो रह रहा चाल घर खाए दुख मत कर जो वो यही तो हो रही भाई, मैं बेगा जा रहा था बाद में आओगा जानो तो जानो उसे आगे रिया पाचे कसे भी जानो इस पर जानो आगे पाचे जानी तो पड़ेगी को। और मारा भी घर का सो मारी आखिरी आई को आई इससे भाई मिट्टी बना सोने जहाँ भी खंदा जहाँ भी पढ़ना हो जहाँ भी ऊकर रिश्तों देख बढ़िया दिख बढ़िया जंग को छोरो देख जो डंग को घर बार देख जो फैली की नहीं वहाँ भी दुख की पाओ वहाँ सास रखन जहाँ खंदा हो जहाँ भी बढ़िया डंग को घर बार ये रिपेयर घर बांध जो कोई यूँ फैली की नहीं यूँ मत रोल दे जो छाओ जटी। इन लड़कों ने मरने से पहले यह वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों युवक रिश्ते में चाचा ताऊ के लड़के थे। एक बूंदी में रहकर पढ़ाई कर रहा था तो वहीं दूसरा साथ रहकर काम करता था। वह मूल रूप से केशवपुरा गांव के रहने वाले थे। यह घटना गुड़ला के पास दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन की है। पटरी के पास उनकी एक बाइक भी खड़ी हुई मिली। दोनों के शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए दोनों मृतकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। परिजनों से उनके बारे में और जानकारी जुटाते हुए उनके पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से उनके हाथों पर लड़कियों के नाम लिखे मिले हुए हैं, उससे लग रहा है कि दोनों का दो युवतियों के साथ अफेयर चल रहा था। उनके बीच ऐसा क्या विवाद हुआ कि दोनों ने एक साथ मरने का फैसला कर लिया। इसके साथ दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें वह गाना गाते हुए कह रहे हैं कि छोरी तुझसे 10 दिन पहले कह दिया था कि हम मरेंगे। घटना की सूचना के बाद दोनों युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। देश दुनिया की ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।